हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक वीडियो आज की डेट में आ चुकी है, ओके, राजेश एक्सपोर्ट से रिलेटेड। और इस वीडियो में थोड़ा सा निफ्टी का व्यू लेंगे और एक स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे जिसका नाम हमने काफी बार पहले उससे रिलेटेड बातें भी करी है, ओके, बट अगेन उससे रिलेटेड बातें करेंगे जिसका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो उसका नाम है एशियन ग्रैनिटो। एशियन ग्रैनिटो यहाँ पर 104 रुपए पे शेयर चल रहा है और बहुत बड़ी अपसाइड यहाँ पर नजर आती है। क्या नजर आती है, कैसे नजर आती है, वो सबसे रिलेटेड बातें करेंगे। पर बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर आपका चैनल है, इसे आपको ही ग्रो करना है। जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट, और जितना हो सके ऑल के नोटिफिकेशन को भी ऑन करिए ताकि जब भी वीडियो डाले आपको वीडियो मिले। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, जितना सपोर्ट करेंगे उतनी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और इसी तरीके से सीखते रहेंगे। और बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। और ये नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट करके अपने फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ हमारे लाभ उठा सकते हैं, एज वेल एज आप पोर्टफोलियो भी क्रिएट करा सकते हैं, पोर्टफोलियो को रिव्यू करा सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज को देख लेते हैं जिसका नाम है निफ्टी। कुछ हम पहले रिव्यू ले लेते हैं फिर स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको बार बार जब भी मार्केट गिरी है आपको बताया गया है कि मार्केट किस तरीके से गिरती है और गिरने के बाद किस तरीके से रिकवर करती है, वो सब चीज आपको ऑलरेडी पता ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट हुई, ओके, उस गिरावट के बाद मैंने आपको बताया भी था कि इस लेवल को अगर ये क्रॉस करती है तो एक अच्छी खासी गिरावट होगी जो 15,500 तक, तो एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है। इसके बाद चीजें ऊपर गई और अगेन इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया। कौन सा सपोर्ट लिया? इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया ऊपर की रेंज में, यहाँ पर जो ये पहले प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था वहीं पर ही इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया और उसी रेजिस्टेंस से अब नीचे आके यहाँ से मार्केट थोड़ी सी यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर खेल चल रहा है, ओके, एक आइलैंड टाइप में यहाँ पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी लोग ऊपर जाने की बातें कर रहे हैं, काफी लोग नीचे जाने की बातें कर रहे हैं। तो मार्केट को ऊपर तो जाना है, ओके, बट कब जाना है वो मार्केट खुद डिसाइड करेगी। और उसे डिसाइड करने, उसे जानने के लिए सबसे पहले आपको पिवट्स पॉइंट का जानना बहुत जरूरी है कि पिवट्स पॉइंट है क्या। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स यहाँ पर बन रही है जो 16,757 को अगर ये क्रॉस करता है, अभी कितना चल रहा है, अभी चल रहा है 16,630, 16,757 को क्रॉस करता है, ओके, तब यहाँ पर ये याद रखिए एक अच्छी खासी रैली होती हुई नजर आएगी जो इसे यहाँ तक लेके जाएगी 17,199। फिर धीरे धीरे इसी तरीके से पॉइंट्स बनते जाएंगे और यहाँ पर अगर इस लेवल को क्रॉस करती है फिर ये लेवल इसका बनेगा और इस तरीके से चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी। तो ये ऊपर जाएगी, मार्केट को ऊपर जाना है, इट इज प्रीडिफाइंड। बट अगर बात करें चीजें ऊपर आती है और नीचे जाती है तो मार्केट में अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कुछ कह नहीं सकते, यहाँ वॉलिटिलिटी बहुत है। तो आपको अपना प्रॉफिट भी साथ साथ बुक करना है और प्रॉफिट बुक करके कुछ पैसे को साइड में रखना और जैसे ही यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले तुम्हारा यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोचना है। तो आइए वीडियो की तरफ और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से मोस्टली सब में मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक, सब कुछ ही इसी तरीके से बिहेव कर रहा है। बट अब हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक से जिसका नाम है एशियन ग्रैनिटो इंडिया लिमिटेड। काफी और वीडियो बनाई है, ओके, उसके बाद शेयर यहाँ पर नीचे भी आया है। यहाँ पर 176 पर भी वीडियो बनाई थी, उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम यहाँ पर ये राइट इशू वगैरह आया था तो चीजें यहाँ पर नीचे आई, ओके। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद राइट इशू में शेयर भी मिलते हैं तो यहाँ पर नीचे आना उसे नीचे आना नहीं कहते, लगभग 30-40 रुपए फिर भी नीचे यहाँ पर चल रहा है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें शेयर एक जगह पर मूव कर रहा है और यहाँ पर एशियन ग्रैनिटो चीज क्या है वो चीज जरूर समझनी है। देखिए मेकिंग इंडिया की बात हो रही है, बात हो रही है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की और भारत को बहुत आगे बढ़ना है। याद रखिए अगर आप अपनी कंट्री पे बिलीव करते हैं तो आपको ऐसे छोटे मोटे यहाँ पर चीजों पर डरना नहीं है, चीजें जब नीचे आती है उन्हें यहाँ पर एक्युमुलेट करना है। एक बेहतरीन यहाँ पर कंपनी नजर आती है जो कि यहाँ पर हर चीज में यहाँ पर काम करती है। जब आप बात कर रहे हैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इंफ्रास्ट्रक्चर केवल बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। घर को लोग रिनोवेशन भी करवाते हैं एज वेल एज यहाँ पर मार्बल्स भी लगवाते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके की टाइल्स भी लगनी है, पार्किंग यहाँ पर टाइल्स लगनी है, यहाँ पर बात करें यहाँ पर किचन टाइल्स भी लगनी है, बाथवेयर यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो कंपनी काफी बेहतरीन है और एज वेल एज इनके क्लाइंट की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने चल रहे CCD, पिज्जा हट, एयरटेल, रिलायंस, द लीला होटल, यहाँ पर अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मंगमेंट, NSC, CPD, W, यहाँ पर देखिए दिल्ली मेट्रो, यहाँ पर NBCC, सेल,
यहाँ पर सैल हॉस्पिटल, आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्ट, नेक्सा, LIC, सिनेपोलिस, PVR, रिलायंस शॉपर स्टॉप, L&T, ITC होटल्स। तो देखिए ये रुक नहीं रही है, ONGC, टाटा हाउसिंग, गोदरेज, तो यहाँ पर सब में, और ये बड़े बड़े ग्रुप का नाम है। यहाँ पर देखिए शाहपुर जी, पोलोनजी, इसके अलावा NCC, लोधा, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, अडानी, जियो, यहाँ पर CCD अगेन आ गया। तो यहाँ पर देखिए इन सब के लिए, इन सब में यहाँ पर इनकी टाइल्स यूज होती हुई नजर आती है इनके, जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। तो कंपनी एक बेहतरीन है, पोर्टफोलियो इनका बेहतरीन है, एज वेल एज इनके पास वैरायटी है, इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी यहाँ पर नजर आता है बाथवेयर में, और कंपनी काफी बेहतरीन है, ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया। और सिरामिक के बिजनेस में भी कंपनी आई है, और वर्ल्ड का, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वर्ल्ड का इन्होंने सबसे बड़ा टाइल्स का शोरूम भी यहाँ पर ओपन किया है। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू भी दे रखा है यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीजें जो कि आप पढ़ सकते हैं। इंक्रीज यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, बट माइक्रो कैप कंपनी है, 589 करोड़ रुपीज की कंपनी है। पी की बात करें, 5 के PE पे, 6 के PE पे चल रहा है, और पी यहाँ पर इंडस्ट्री का 27 है, तो जब 27 पे आएगा तो शेयर कहाँ जाएगा वो आप खुद सोच सकती है। 36% का डेट है कंपनी ने, अपने डेट को बहुत रिड्यूस किया। ROC, ROE 12 और 10% के आसपास है, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। ROC फेस वैल्यू की बात करें, 10 का फेस वैल्यू है, और बुक वैल्यू 119 की, और उससे नीचे यहाँ पर शेयर चल रहा है। याद रखिए बॉटम पे चीजें मिलती है, और बॉटम पे जब चीजें मिलती है तो बॉटम पे खरीदते हैं, तभी यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आता है। मैं काफी टाइम पहले बताया था, नहीं चल पाया कुछ रीजन की वजह से, बट याद रखिए यहाँ पर शेयर अगेन जब भी भागता है तो एक अच्छी खासी रैली दिखाता है। यहाँ पर देखिए एक कंसोलिडेशन फेज जैसे यहाँ पर चला था, गिरा था, फिर उसके बाद जब भागा है तो अच्छा खासे तरीके से भागा है। इसी तरीके से सेम लेवल पे आके बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट लेने का जब ऊपर भागेगा, जो कि चार्ट में बताऊंगा, तो आपको पता अच्छे खासे तरीके से पता चलेगी। इसके अलावा ईयरली बेसिस पे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर पूरा पैंडमिक में गया, फिर इसके बाद धीरे धीरे इनकी सेल्स बढ़ी, मार्च 2021 में हाईएस्ट एवर सेल्स आई, फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हुई, दोबारा कोविड यहाँ पर लॉकडाउन लगा, फिर उसके बाद दोबारा ओपन अप हुआ, तो यहाँ पर दोबारा हाईएस्ट एवर सेल्स आई 437 करोड़ की। कंपनी के एक्सपेंसिस भी, क्योंकि याद रखिए एक्सपेंसिस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर चीजें उसी हिसाब से धीरे धीरे ये अपने आप को कम भी कर रहे हैं एक्सपेंसिस को। यहाँ पर देखिए मटेरियल कॉस्ट, फिर भी एक्सपेंसिस उसी तरीके से हो रहे हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, वो अभी कम आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट कंपनी ईयरली और क्वार्टरली बेस, ईयरली बेसिस तो नहीं कहूंगा, बट क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है धीरे धीरे। और यहाँ पर बात करें कुछ और चीजों की, तो नेट प्रॉफिट देख सकते हैं यहाँ पर इस बार का 18 करोड़ है, लास्ट टाइम 54 करोड़ आया था। उसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पर अदर इनकम ज्यादा आई थी, तो यहाँ पर आप देखिए अदर इनकम को अगर हम घटाते हैं, लगभग 40 करोड़ घटा देंगे, ओके, तो यहाँ पर 14-15 करोड़ यहाँ पर रह जाएगी, तो जो कि क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है। और इस बार तो टैक्स भी कंपनी ने ज्यादा दिया है, तो कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे सुधर रहा है। याद रखिए यहाँ पर थोड़े से आंकड़े यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आती हुई दिखाई देगी। ईयरली बेसिस पे बात करें, कंपनी की ग्रोथ एक बेहतरीन ग्रोथ रही है, ओके, दो और यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक कम सेल्स हुई थी, वरना और भी ज्यादा भागती, बट पिछले 12 महीने की सेल्स एक काबिले तारीफ की सेल्स है, और नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से अगर जैसे यहाँ पर सेल्स की वजह से चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी है, अगेन जब सेल्स ऊपर जाएगी, और यहाँ पर जिस तरीके से घर की सेलिंग हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो इनके जब प्रोडक्ट्स यूज होंगे तो अगेन यहाँ पर शेयर, याद रखिए ये यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बना के चीजें ऊपर निकलती हुई आएगी, राउंडिंग अप, राउंडिंग टॉप बना के यहाँ पर चीजें नीचे आई थी, राउंडिंग अप बॉटम बना के यहाँ पर चीजें ऊपर जाएंगी। इसके अलावा बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व्स, कंपनी के रिजर्व्स देखिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी की बोरिंग 360 करोड़ से यहाँ पर घटते घटते 243 करोड़, बोरिंग घट रही है, रिजर्व्स में यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वर्किंग प्रोग्रेस में, वर्किंग कैपिटल वर्क में यहाँ पर CWIP में यहाँ पर पैसे यहाँ पर खर्च हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी धीरे धीरे कर रही है। कैश की बात करें, कैश 18 करोड़ रुपए का है, और यहाँ पर जो भी पैसा यहाँ पर चीजें बेचते हैं यहाँ से पैसा अच्छा खासा आता है। इसके अलावा प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, 26.12% की प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। FIIs की बात करें, FIIs ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हिस्सेदारी बढ़ाई है, DIIs ने भी थोड़ी सी या ना के बराबर हिस्सेदारी बढ़ाई है। और पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास 73% के यहाँ पर शेयर है, तो पब्लिक के पास से अब धीरे धीरे शेयर जा रहे हैं, बट इसमें से भी बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर शेयर ले रखे हैं थोड़े बहुत, पब्लिक के पास ज्यादा शेयर है हालांकि, मानना पड़ेगा। बट याद रखिए जैसे जैसे चीजें अच्छी होती जाती है, जैसे जैसे अच्छे रिजल्ट आते जाते हैं, तो जो FIIs, DIIs और बड़े बड़े लोग हैं ना, वो भी यहाँ पर आना शुरू कर देते हैं, और कब कब में यहाँ पर ये शेयर यहाँ से पर ले लिए जाएंगे लोगों से, वो आपको समझ में भी नहीं आएगी, और चीजें फिर ऊपर जाती हुई नजर आएगी, और फिर आप ऊपर के लेवल पर चीजें लेके फंस जाएंगे।
तो चीजें यहाँ पर नीचे आ गई है, और नीचे जब आ गई है, यहाँ पर चार्ट निकाल लेते हैं, और जब चीजें नीचे आ गई है तो यहाँ पर अगर हम बाइंग करते हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है यहाँ पर, इस चीज को याद रखिए। अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए, इसने एक पूरा दो यहाँ पर राउंडिंग टॉप बनाए, चीजें ऊपर ले गए, फिर ऊपर यहाँ पर अगर बात करूँ एक रिसेंटली राउंडिंग टॉप बना के चीजें ऊपर आती हुई दिखाई दी, यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसने एक राउंडिंग टॉप बना के चीजें नीचे आई, यहाँ पर ही सपोर्ट लिया, ओके यही इसके आसपास ही सपोर्ट लिया छोटा सा, फिर अगेन यहाँ पर इसने एक यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पूरी रेंज, तो यहाँ पर समझ में आएगी कि इसने एक बड़ा राउंडिंग टॉप बना के चीजें नीचे आई। तो यहाँ पर कितने साल हो गए, चीजें यहाँ पर देख सकते हैं 2015 से 2000, मतलब वो 6 साल यहाँ पर इसने ऊपर जाके फिर नीचे राउंडिंग टॉप बना के चीजें नीचे आई। थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल का यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, 3 साल का भी टाइम देना पड़ सकता है, बट चीजें जब नीचे आए नीचे से ऊपर जाएगी ना, तो याद रखिए क्या रिटर्न मिलेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो रिटर्न आपको समझ में आ जाएगी चीजें। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर से इसके बिल्कुल टॉप से लेता हूँ और यहाँ पर इसके टॉप की बात करता हूँ, तो देखिए 1609 दिन में, यहाँ पर देखिए 1609 दिन में लगभग लगभग 5 साल में इसने कितने परसेंट के रिटर्न दिए, लगभग 3000% के रिटर्न दिए, ये समझ रहे हैं, तो 3000% के रिटर्न 5 साल में आए। और इसी तरीके से चीजें नीचे भी आई थी, तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो चीजें यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, बट चीजें अच्छी रिजल्ट दोबारा आना शुरू होंगे, ग्रोथ है यहाँ पर, और फिर ऊपर जब चीजें जाएगी तो याद रखिए अच्छे रिजल्ट यहाँ पर दोबारा 2-3 साल यहाँ पर होल्ड आप करेंगे तो अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर चीजें फेवरेबल नजर आती है, कंपनी एक बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है, वॉल्यूम आना शुरू हो गए, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गिरने के वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं, बेशक से रेड वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं, बट साथ साथ यहाँ पर ग्रीन भी है, तो चीजें ऊपर जाएंगी जाएंगी और केवल जाएंगी इसे, और बार बार सपोर्ट जो ले रही है, यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पर देखिए यहीं से ऊपर चीजें ऊपर गई थी चीजें, तो यहाँ पर चीजें समझ में आती है, ओके। और यहाँ पर अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की भी, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में भी अच्छे खासे, अगर ये अपने रिसेंट हाई तक भी जाती है ना, तो 186% के रिटर्न होते हैं, जो कि 312 का यहाँ पर टारगेट आता है। और यहाँ पर चीजें मुझे नीचे जाती हुई नहीं, ऊपर जाती हुई दिखाई देती है, एक बार ड्रॉइंग को मैं हटा लेता हूँ तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर जैसे यहाँ पर राउंडिंग टॉप बना के चीजें नीचे आई थी, मुझे यहाँ पर अब चीजें राउंडिंग यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद राउंडिंग टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं एक बार, राउंडिंग बॉटम बना के चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है इस तरीके से, यहाँ पर राउंडिंग टॉप बना के ऊपर, यहाँ पर पूरे नीचे से ऐसे चीजें जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि हम मैं एक आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम करती है। अभी मैंने एक स्टॉक का नाम बताया राजेश एक्सपोर्ट, देखें यहाँ पर चीजें धीरे धीरे ऊपर ले जाके नीचे लेके गए, नीचे ले जाके धीरे 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 यहाँ पर कंसोलिडेट करके, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ काफी, यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि चीजें नीचे आई, कंसोलिडेशन हुआ, और फिर यहाँ पर देखिए एक एक लेवल को यहाँ पर तोड़ दी गई, और धीरे धीरे यहाँ पर लेवल को तोड़ने के बाद चीजें ऊपर जाके दिखाई दे रही है। सेम यहाँ पर चार्ट पैटर्न यहाँ पर एशियन ग्रेनाइटों का भी बनता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और चीजें यहाँ पर फिर यहाँ पर चीजें अच्छी खासी तरीके से भागती हुई नजर आएगी और अपने यहाँ पर टारगेट को अचीव करेगी। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिए, ओके, चीजों को यहाँ पर समझने की कोशिश करें, रिजल्ट देखने की कोशिश करें, एक बार के रिजल्ट और देख लीजिए, जैसे रिजल्ट आएंगे चीजें भागनी शुरू होगी, और अच्छे रिजल्ट आने के बाद चीजें ऊपर निकलती हुई आएगी और फिर रोकेगी नहीं, यहाँ पर कंसोलिडेशन है पूरा, और कंसोलिडेशन के बाद चीजें ऊपर जाएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।